67 67। इसका आंसर 67 बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट है? नेक्स्ट नौ सौ सेकंड आंसर 81 सर 91 सर 41 81 करके एट आंसर बोल दो यार। 81 मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है क्या? 81 का हाँ सर यस सर डाउट है नहीं सर सर मुझे 41 है। ओके थर्ड लास्ट का 21 डाउट है? यस सर लास्ट वाला देख रहे हैं फिर फाइंड द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 21 तो 21 का 20 प्लस 1 करें या क्या करें बोलो 20 प्लस 1 चलो 20 प्लस 1 से ट्राई करते हैं फिर 20 प्लस 1 रेज टू पावर 256 तो अब 256C0 इनटू 20 की पावर 256 बच्चों बहुत कुछ है क्या करना हमें हमें कौन से डिजिट्स लेने हैं 1000 के मल्टीपल एक्सपेक्ट करने हैं कम ऑन एग्री करो यस बाय द वे तुम्हारा आंसर है 5678 तो तुम्हें लास्ट डिजिट ये चाहिए मतलब 5000 प्लस 678 चाहिए करेक्ट ना यस सर यस कौन है 10 का 10 क्यूब का मल्टीपल कम ऑन एग्री करो एक तरीके से यस यस सर यस सो 256 253 right? 253 into 20 raised to power क्या cube आएगा? Plus 256 into 20 square plus 256 into 20 plus what? 256 yes ये सब किसके हैं? 1000 के multiples? 1000 के yes plus ये कितना होगा? 256 C2 and C2 क्या होता है value बच्चों? n into n minus 1 56 into 255 by 2 into 400 sounds good yes okay ye ho gaya 256 c1 that is 256 into 20 plus 1 yahan tak kisi bacche ka doubt nahi sir acha yahan pe dekho ye 2 se to ye 200 ho gaya agar ek aur 10 ban gaya fir to 1000 ka multiple ho jayega agree karo all of you ha 100 ka to hai hi hai अगर एक और 10 बन गया फिर तो 1000 का मल्टीपल हो जाएगा ना एवरीवन यस यस सर यस सर हो गया तो जल्दी से बताओ एक और 10 बन रहा है या नहीं बन रहा है जल्दी से बताओ बन रहा है सर बन रहा है ना यार 5 into 2 है तो एक्स्ट्रा है वो तो 6 into 5 30 हो जाएगा 30 मतलब 10 का मल्टीपल तो होगा ना एवरीवन यस सर होगा यस सर ये 10 का मल्टीपल और ये 100 का है तो ये पूरा 1000 का मल्टीपल है हां ना यस यस तो अगर ये 1000 का मल्टीपल है तो इसको सिंपलीफाई करें या 1000 में इन्वॉल्व कर दें जल्दी बोलो 1000 में इन्वॉल्व कर दें तो बस 256 into 20 करो कितना होता है 512 512 सर प्लस 1 तो 1000 लैम्डा प्लस 5121 5000 को वापस 1000 में इन्वॉल्व कर दिया तो लास्ट थ्री डिजिट्स कितने हैं बच्चों 121 किसी का डाउट यस बोल क्या डाउट है आई थिंक यस मोमेंटम में बोल गया कोई डाउट ना सर कॉपी बाद में करना अभी होमवर्क क्वेश्चन आगे बढ़ू यस सर डाउट है तो कब से बोल रहा हूँ मज्जा जल्दी पूछ हाँ सेकंड नहीं खुद से करो मैंने ये कर लिया बिल्कुल डिटो सेम टाइप का क्वेश्चन है खुद से करो 289 बना 17 स्क्वायर तो 290 माइनस 1 कर लास्ट अब नेगेटिव आ रहा होगा इसलिए डाउट होगा चल बता देता हूँ नाम बोल बच्ची देख इधर 17 स्क्वायर रेस टू पावर कितना हो गया 128 289 289 इज 290 माइनस 1 सही है लड़की यस सर चल अब पता मुझे क्या चाहिए लास्ट टू डिजिट मतलब 100 के मल्टीपल हटाने हैं तो 128C0 इनटू 290 मतलब बहुत सारे हैं मैं करता गया कब तक माइनस 128 सॉरी प्लस में आएगा
See, 126 into 290 square is 100 ka multiple, hai, correct? Yes, sir. But is my doubtful, hai, right? Yes, sir. No? Plus 128. See, 128. So, kitne number? Ye sare number ko to 100 ka multiple likh do? Yes, sir. 100k. 100k minus. Iski value bol? 128 upon 127 into 128 C1, that is 128, right? Yes, sir. Yes, sir. So, got it. Sir, negative aayega bas. So, negative ko तेरे को वो तो सिखाया थोड़ा बहुत ना मैंने कि कर देना प्लस माइनस 61 आता है तो प्लस 100 कर देना ठीक है समझी मैं क्या बोला लड़की यस सर सर समझ गया साल दे रहा पक्का ना यस सर आई थिंक मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है ना बट देख लेना माइनस 100 के माइनस 317000 तो हो गया माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11 89 बोले थे क्या तुम आंसर 3712017 मैंने गलत किया क्या बोलना चाहते सर 37120 होगा सेकंड लास्ट में हां सर करेक्ट करेक्ट 3 के बाद 1 नहीं 3 के बाद 1 नहीं सही है बच्चों यस सर यस तो फिर प्लस 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 ओके एक छोटा सा टॉपिक यूं ही पढ़ा देता हूं कल हम लास्ट क्लास पे आफ्टर क्लास डिस्कस भी कर रहे थे साइक्लिसिटी अब ये तो नंबर थ्योरी का है जेई सिलेबस का नहीं है बट नंबर थ्योरी का है यूं ही यूज कर सकते हो देखो इधर अगर अपन साइक्लिसिटी ऑफ 2 की बात करें साइक्लिसिटी क्या स्पेलिंग हो गई साइक्लिसिटी यस ऑफ 2 2 की पावर 1 लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करना सिर्फ लास्ट डिजिट 2 की पावर 1 2 2 स्क्वायर 4 4 सॉरी सॉरी 4 4 2 क्यूब 8 16 मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूं चलेगा ना यस यस ओके 2 की पावर 5 2 2 की पावर 6 4 7 28 2 की पावर 8 256 2 की पावर 9 512 2 की पावर 10 1024 समझ में आ गया अब तो यस सर मतलब कोई भी साइक्लिसिटी कोई भी लास्ट डिजिट ऑफ 2 विल बी अकॉर्डिंग टू कि वो उसकी पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं है करेक्ट नॉट यस यस अगर कोई भी नंबर 4k plus 1 है तो उसका लास्ट डिजिट विल बी सेम एज 2 की पावर 1 का लास्ट डिजिट दैट इज 2 कम ऑन एग्री करो यस सर देख लो 5 का देख लो 9 का हां है ना कोई भी अगर 4k plus 2 है तो उसका लास्ट डिजिट विल बी अकॉर्डिंग टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 कोई भी 4k plus 3 है बाइनोमियल से प्रूव भी कर सकते हो बट मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूं 2 क्यूब है तो दैट इज 8 2 की पावर यस ओके ना यस यस तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 4 है साइक्लिसिटी ऑफ 3 कैसे होगी सोचो जल्दी से 3 की पावर 1 3 3 स्क्वायर 9 3 क्यूब 27 3 की पावर 4 81 3 की पावर 5 243 3 की पावर 6 729 ऐसे साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी 4 है यस यस साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 8 कितनी होती है 4 सबको क्लियर यहां तक पैटर्न वेरीफाई भी कर सकते हो तुम और 2378 फिर 4 और 9 की कितनी होगी सोचो 2 2 साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 4 की पावर 1 4 4 स्क्वायर 16 4 क्यूब वापस 4 हो गया है ना यस हां सर 1 भी 9 9 स्क्वायर 81 9 की पावर 3 वापस 729 हो गया 720 आ गया यस यस सर ऑफ 9 कितनी है 2 है इतना तो उल्लू मत बनना साइक्लिसिटी ऑफ 5 क्या है या 1 क्या है 1 मतलब इसका लार्ज डिजिट हमेशा सेम ही है 5 की पावर 1 इज 5 5 स्क्वायर इज 5 क्लियर ये हां कॉपी करो एक बार
सिक्स भी ना सर, सिक्स भी ना सर, हाँ सिक्स भी। तो अगर मैं लास्ट डिजिट का यूनिट डिजिट पूछूं तो साइक्लिसिटी यूज कर सकते हो ना? यस सर। यस बट यूनिट डिजिट तो हम बाइनोमियल से भी निकाल सकते हैं, अभी लास्ट टू नंबर निकाल रहे थे ना एवरीवन? हां सर भाई, हां सर, डिवाइड बाय 10 कर, बट इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा फास्टर है सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए। क्लियर? यस यस। हाँ तो निश अभी कुछ बोल रहा हूँ तो बोल सकते हैं, तू लास्ट क्लास में बोल रहा था। यस सर, वो जो हम यस सर एम आई ऑडिबल? यस सर, वो लास्ट क्लास में सर वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें पावर्स थे और उसमें डिवाइड बाय 7 करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था सर, तो मैं क्वेश्चन बोलूँ वो क्या था? बोलना कुछ भी है, 23 raised to 78 ऐसे कुछ होगा जो भी। हाँ आपका सर, हाँ मतलब वो क्वेश्चन था 32 raised to 32 की पावर 32। सर तो हम लोग मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया मैंने कि 2 के जो भी पावर्स है और उसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर्स आते हैं उनकी भी एक साइक्लिसिटी होती है, मतलब जैसे कि पावर, हाँ तो 2 की फर्स्ट पावर 2 है, सो 2 डिवाइड बाय 7 तो रिमाइंडर 2, फिर 2 स्क्वायर 4 तो 4 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 4, फिर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है और फिर 16 पे वापस वो 241 रिपीट होता है सर, तो 32 raised to 32 raised to 32। मतलब यूं, मतलब ये बोलना चाहता है 3 की साइक्लिसिटी का पैटर्न बन रहा है। यस सर, 2 4 and 1 ऐसे 2 4 1 2 4 1 ऐसे 3 की सर, तो 32 raised to 32 raised to 32 को 2 के पावर्स में लिखने जाए तो 2 raised to 5 into 32 square ऐसे आएगा और फिर हम लोग 32 square को अभी 32 square नहीं सर, मल्टीप्लाई होगी ना पावर्स, तो ये क्या, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 32 into 32 हो जाएगा वो पावर पे ब्रो। हाँ वो मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, 3 raised to power 6 4 ये होता है तो मल्टीप्लाई होता है, बट मैंने ये नहीं दिया, मैंने दिया 3 raised to power 6 raised to power 4। अच्छा ओके ओके सर, फिर नहीं होगा अप्लाई सर। ठीक है आगे बढ़े हैं मैम। बाइनोमियल बुकलेट कितनी हो गई? एक्सरसाइज 3 थोड़ी सी हो गई, एक्सरसाइज 3 बाकी है, बाकी हो गया सर? तो हां सर बाकी, यस सर बाकी ऑलमोस्ट हो गया। डाउट लेक्चर किसी और के साथ भी है इस पर? हां वो तो तुम पूछते रहे ना उनसे, पर्सनल डाउट्स जो भी हो करते रहे ना, वो सब करेंगे बच्चों, क्योंकि कभी कभार बिजी होते हैं हम सब, तो कोई जो फ्री है उनके लगा दिए।
सबका सही है अभी तक जिन्होंने भी भेजा है। जना चेक करेगा फोन, निधि चेक करो। अनाव चेक करो, तन्वी चेक करो, बाकी सब सही है। मोहम्मद चेक करो, अक्षत चेक करो, बाकी सब सही है। ध्रुव चेक करो, कार्तिक अनवी चेक करो, बाकी सब सही है। बहुत जना दे रहे। देवम चेक करो, प्रणय चेक करो, प्रामा चेक करो, नाल आएगा। इतने बच्चों के लिए मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा क्या? आंसर इज 3। देखो इधर 27 रेस्ट पर 50 का लार्ज डिजिट 2 पे डिपेंड करेगा क्या, या सिर्फ 7 पे डिपेंड करेगा? एक तरीके से 7 पे डिपेंड करेगा। मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया है, करेक्ट ना एवरीवन? यस। आया ना यार, 27 इनटू 27 में लार्ज डिजिट 7 के हिसाब से आता है या 2 के हिसाब से आता है? कार्टूनो 7 दिमाग लगाओगे ना तो। अब 7 का साइक्लिसिटी 4 का होता है, तो मुझे बस यही देखना है ना कि 54k में क्या है एवरीवन। Yes sir. 48 plus 2 तो 7 square लिंक तो चलेगा सबको। Yes sir. Okay, sir. I hope you understand. Yes की value नहीं है, but मेरे question के purpose के लिए this is 7 square, correct? Yes sir. तो 7 square का last digit क्या होता है? 9. 8 square का क्या होता है? 4. तो last digit का answer कितना आ गया? 3. इतना easily करना है ना लाइक तो। Find the units digit. Of 2 raised to power 9 raised to power 100 अपना बाइनोमियल में 2a तक डिस्कस हुआ था या 1b तक हुआ था बच्चों? 2a तो हो गया था। तो भी सब बच्चे करके आए और डिस्कस कर सकता हूं या नहीं सर? क्लास में बचा एंड का पार्ट। यस सर। सर डाउ 3 अटेम्प्ट नहीं किए तो एंड का पार्ट भी हां वो मैंने भी नहीं किया। गलत आंसर है, चेक है, बाकी सब सही है। बहुत जना सही है, तो देख नहीं रहा। आई होप इतना रियलाइज किया कि पावर 4K है या 4K प्लस है, यही जज करना है। यस यस लास्ट 10 सेकंड्स। चलो एनफ टाइम, आंसर इज 2। वी हैव टू डिटरमाइन कि 9 की पावर 100 ये क्या है, ये 4k है या 4k प्लस 1 है या 4k प्लस 2 है या 4k प्लस 3 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस यस। तो कैसे करेंगे?
4 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कह रहा है तो 1 प्लस 1 4 से डिवाइड करना है तो कैसे करें वो सर 4 का मल्टीपल है प्लस 1 सर 8 प्लस हां तो हम 8 प्लस 1 कर दें बच्चों इट्स लाइक हमें रिमाइंडर निकालना है जो 4 से डिवाइड कर रहे हो एग्री करो ऑल ऑफ यू यस तो अब 4 का कौन इसके आसपास आता है प्लस माइनस 1 फैक्टर 8 आता है तो 8 कर दिया आई होप मैं डायरेक्ट करूंगा तो अब समझ में आ जाएगा 8 के प्लस 1 बताओ अंडरस्टूड है क्या यस हां अब इतना कर लिया अब तो आ जाना चाहिए 8 के लास्ट डिजिट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 8 एक्सेप्ट सारे मल्टीपल ऑफ 8 होंगे ना एवरीवन यस सर यस इसको मैं 4 लैम्डा प्लस 1 भी ले सकता हूं इफ वो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8 ऑफ कोर्स इट इज मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 के प्लस 1 हो गया सो 2 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 100 इज नाउ सेम एज 2 रेज़ टू पावर 4 लैम्डा प्लस 1 तो इसका लास्ट डिजिट विल बी डिटरमाइंड बाय ओनली 2 की पावर 1 दैट इज 2 ओके यस सर यस चलो दैट फिनिशेस आवर बाइनोमियल नाउ